आइए ये क्वेश्चन के साथ शुरुआत कीजिए, सभी लोग आंसर लगाइए, बात करने का समय नहीं है, धड़ाधड़ आंसर लगाइए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। चलिए सबका स्वागत है, चलिए हाँ अब हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देखते हैं घूर्णन गति के बारे में, यहां पर दे रहा है कि घूर्णन गति दो प्रकार की होती है। अब ये दो प्रकार के घूर्णन गति कैसी होती है? सो आप क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को क्या करता है, ऐसे फेंकते हैं, ऐसे बॉल जब फेंकते हैं तो घूमता भी है किसका, अपने लंबवत अक्ष पर, लंबवत अक्ष पर घूमते हुए जाता है और जहां पर टप्पा खाता है वहां से वह तो स्विंग हो जाता है, यानी कि या तो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ, इनर या आउटर, ये को कहलाता है, ये कहलाता है स्पिन। इसलिए आप क्रिकेट खेलते समय बोलते हैं कि हमको स्पिन कराना है, स्पिन मतलब कि या तो अंदर की तरफ कटाना चाहते हैं या बाहर की तरफ, ये तो स्पिन गति होती है। एक कक्षीय गति होती है, लाइक जैसे कि सोलर सिस्टम में आपको जो भी प्लैनेट होते हैं एक कक्षा में आपको घूमते हैं, तो ये जो होता है कक्षीय गति, यानी स्पिन और कक्षीय गति दो प्रकार के घूर्णन गति होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो देख लीजिए, दो है यहां पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर दो, लगाइए इसे। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो है विश्व पर्यावरण दिवस। आपको पता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो तारीख आपको नाम बताना है, वो तारीख कौन सा है, ये हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे, ओजोन डे मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन देख लीजिए, पृथ्वी की सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी है? पृथ्वी की सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र आपको बताना है, इसमें से कौन सी हो जाएगी, ये लगाइए क्वेश्चन नंबर तीन, लगाइए आंसर, लगाइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर लगाइए, आसान क्वेश्चन है बृहद। सर मैं बिहार दरोगा का क्लास लिया हूं लेकिन नहीं, यदवंत्र कुमार तुमको जवाब दिया गया है ना, जवाब कोई दिया है ना तुमको, व्हाट्सएप तो किया है कि अभी डाला ही नहीं गया, तो यहां पर दांत चिपुर रहे हो, क्वेश्चन लगाना चाहिए, तो तुमको तो जवाब व्हाट्सएप पर दिया गया है। डिस्टर्ब देखो क्यूज डिस्टर्ब मत किया करो तुम लोग, ठीक, क्वेश्चन लगाना है क्वेश्चन लगाओ, डिस्टर्ब करोगे टाइम इधर उधर जाएगा फलतुआ में। पृथ्वी के सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, जैव मंडल हो जाएगा जिसमें हम लोग रहते हैं, क्या हो जाएगा बृहद पारिस्थितिकी तंत्र आपको बोल रहा है, यह कौन सा हो जाएगा, जैव मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है, हम ही सिर्फ जैव मंडल में सिर्फ हम लोग नहीं रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, ठीक ना, ये आपको बताना है, ये लगाइए क्वेश्चन। एप्लीकेशन पर 8 बजे क्लास होगा, एप्लीकेशन पर 8 बजे क्लास होगा, चिंता मत करो, चलो लगाओ। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध होती है, जो विलुप्त हो जाती है, इंडेंजर्ड है, एक विलुप्त प्राय है, ये सभी के लिए एक लिस्ट निकाला जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक निकाला जाता है, और ये किसके द्वारा निकाला जाता है, IUCN द्वारा निकाला जाता है ये रेड डाटा बुक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, किसी सरल लोलक की गति, एक सरल लोलक जो है यानी पेंडुलम की जो गति होती है, पेंडुलम क्या होता है, एक बार आगे की तरफ जाता है फिर वही स्थान पर आता है, फिर दाएं की तरफ जाता है, फिर वही स्थान आता है, फिर बाएं की तरफ, ऐसे ऐसे हिलते देखते होंगे ना, ऐसे ऐसे घड़ी हिलते रहता है, ठीक। सो वो पेंडुलम होता है, और इसका क्या होता है, ये क्या होता है, एक आवर्ती गति होता है, यानी कि आपको क्या करता है, कंटिन्यूअस आवर्ती करते रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, अनावर्ती नहीं होता है, एक समय पर यह क्या आता है, आता है फिर उतने ही समय जाने में लगाता है, फिर आने में समय लगाता है जाने में, यानी कि एक प्रकार की क्या होता है, ये आवर्ती गति होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस आपको बताना है, वर्ल्ड डायवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। चलिए लगाइए क्वेश्चन, लगा लीजिए, किसी का जवाब अभी नहीं मिलने वाला है, क्वेश्चन लगाइए, ठीक, किसी का जवाब नहीं मिलने वाला, सिर्फ क्वेश्चन लगाइए। और चलिए मैं स्पीड में चल रहा हूं, काफी ज्यादा क्वेश्चन है, मैं तो डेली ये सोच कर आता हूं कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराऊं डेली साइंस का, लेकिन मैं जान रहा हूं कि बीच में आप लोग पूछने लगेगा सवाल, समय नहीं रहेगा, जवाब देने पर दांत चिपोड़ दीजिएगा आप लोग। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, उन लोगों को मैंने बोला जो लोग बार बार सवाल ही करते हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहता है, वो पढ़ने वाले नहीं होते, सिर्फ अपना सवाल करते रहेंगे। विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, 2 फरवरी को मनाते हैं हम लोग,
जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, वो देखो कि वेटलैंड डे मनाते हैं हम लोग। वेटलैंड डे आपको क्या मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ये मनाते हैं हम लोग अजोन वाला जो है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अजोन परत के अवक्षय के लिए, देखो आ गया अजोन परत के अवक्षय के लिए ये कौन सा उत्तरदायी होता है, यानी कि अजोन जो परत होता है इसका फॉर्मूला O3 होता है, और ये मिलता है समताप मंडल में। किसमें मिलता है, समताप मंडल में मिलता है, इसे भी याद रखिएगा, समताप मंडल में ये मिलता है, ठीक, समताप मंडल में मिलता है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रियोन से निकलता है। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और ये क्या करता है, पराबैंगनी, जो समताप मंडल में आपको ओजोन लेयर है, ये क्या करता है, तुम्हारा पराबैंगनी जो किरण होता है, बैंगनी जो किरण होता है उसको छान लेता है सूरज का, जो कि आपको स्किन जैसे जो कैंसर हो सकते हैं, या पौधों में जो जेनेटिक्स बीमारी या जेनेटिक्स बदलाव देखने को मिल सकते हैं, किसके कारण, पराबैंगनी किरण के कारण, वो नहीं होने देता है। और इनमें से आप बोल सकते हैं कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए कौन होता है, भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था भैया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर को हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और ये देखोगे 16 सितंबर को इसलिए हम लोग ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वन अनुसंधान संस्थान के बारे में आपको पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देखना है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के राजधानी, माफ करना है, हाँ ये कहाँ पर है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे की तरफ, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन 9th, क्वेश्चन नंबर 9th है, निम्न में से कौन से अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, नवनीकृत नहीं, अनवनीकृत यानी रिन्यूएबल नहीं हो सकता, फिर से यूज नहीं हम लोग कर सकते हैं, ये बताओ, ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें से आराम से आप लगा सकते हैं, जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं वो अनवनीकृत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, यानी कि उन्हें फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है। नवीकृत मतलब कि रिन्यूएबल होता है, जिसको फिर से उपयोग किया जा सकता है, जस्ट लाइक सूरज वाला ऊर्जा हुआ, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, इसका फिर से किया जाता है। अनवनीकृत ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं ये पर्यावरण में काफी ज्यादा आपको प्रदूषित करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता है इसके कारण, ठीक। 9th का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान के निम्न में से किससे विभाजित करने पर प्राप्त होगा, यानी किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, यानी कि जो भी पैकेजिंग जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं कि कितना किसका डेंसिटी है, सो डेंसिटी जो होता है वो किस कैसे प्राप्त किया जाता है, जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर जो होता है ये होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा में क्या होता है, आयतन होता है, यही ना होता है, यही ना होता है, तो द्रव्यमान बटा में आयतन जो होता है। तो ये पूछ रहा है किसी सामग्री में घनत्व उसके द्रव्यमान में, द्रव्यमान में निम्न में से किससे विभाजित करें, तो आयतन से विभाजित कर देंगे। सो आयतन से, यानी कि आयतन से हम विभाजित करेंगे तो हमको डेंसिटी मिल जाता है, यानी घनत्व मिल जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, इसमें से बताना है कि कौन से वायु प्रदूषक जो है सर्वाधिक हानिकारक है। ये क्या करता है कि तुम्हारे ब्लड के साथ जल्दी से संयोग कर लेता है, ठीक। तो ये हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, ये एक प्रकार का प्रदूषक है, आप जानते हैं। और ये देखो कि जीवाश्म ईंधन जलता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जैसे कि कार, जीप, ये जो भी वैन होते हैं उनको चलता है तो ये निकलता है। और ये देखो कि इसको क्या कहा जाता है, साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और ये खून में हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी बंध बनाकर और जो सोफोकेशन यानी सांस लेने वाली बीमारी पैदा कर देता है, यानी कि घुटने वाली बीमारी पैदा कर देता है, यानी घुटने के कारण मौत हो सकता है। ये पूर्णता आपको जलन नहीं होता ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब जाकर आपको बनता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो कहां से पूर्णता जलन आपको वो जल पाएगा, तो उसमें धुआं देने लगता है और धुआं जो होता है खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं, ध्वनि जो प्रदूषण होता है इसको मापने के लिए। देखो ध्वनि जो होता है, जो हम लोग बोल रहे हैं, इसके एक सीमा है, उस सीमा से ऊपर जैसे कि ध्वनि अगर ज्यादा है तो क्या करता है, वो ध्वनि प्रदूषण कर सकता है। प्रदूषण मतलब कि अवांछनीय वो चीज होता है, वो आपको हानिकारक आपके शरीर को पहुंचा सकता है, आपके टेंशन उत्पन्न कर सकता है, सिर दर्द उत्पन्न कर सकता है, या आपका कान का चदरा भी फाड़ सकता है ज्यादा हो तो। जो ध्वनि प्रदूषण को हम लोग मानते हैं डेसिबल में, डेसिबल में, डेसिबल में, ऐसे आम देखा जाए तो 60 डेसिबल तक आप अच्छा मानते हैं, मतलब सुन सकते हैं टाट जो बोलता है, लेकिन WHO जो बोला है, ये बोला है 45 डेसिबल तक आप सामान्य बातचीत करते हैं, यानी कि ठीक है 45 डेसिबल तक। तो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ,
12 के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखना है, ये देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है। विद्युत का चालक यानी कंडक्टर नहीं है, विद्युत का चालक कहा जाता है जहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। सब लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, बहुत अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन लगाइए। अच्छा 70 क्वेश्चन मैं कराकर आपको जाता हूँ, 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन कीजिएगा डेली, आपको समझिए कितना अच्छा सा रिविजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी पकड़ में आने लगेगा। कौन होता है विद्युत का चालक, होता है विद्युत का चालक, इसमें से पारा भी है, मैग्नीज भी है, लोहा भी है, एबोनाइट नहीं है। एबोनाइट एक प्रकार का रबर हो गया, रबर प्लास्टिक ये सब विद्युत का चालक नहीं होते, सूखा लकड़ी ये भी विद्युत का चालक नहीं होता, ये कुचालक होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, आपसे पूछता है। पारा जानते हैं, पारा को हम लोग मरकरी कहते हैं, और मरकरी किसी धातु के साथ मिलता है तो उसे अमलगम कहा जाता है, यानी धातु के साथ मिल जाता है तो। बट पारा कभी लोहा के साथ नहीं अपना यौगिक बनाता है, इसे भी याद रखिएगा। पारा क्या होता है, ये आपको धातु है जो कि तरल अवस्था में रहता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछे तो 14 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जनेवा में मिलता है। मुख्यालय कहां मिलेगा, जनेवा में मिलेगा, ये याद रखिएगा, जनेवा में इसका मुख्यालय मिलता है। जनेवा कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो जनेवा में इसका मुख्यालय मिलता है। इसकी स्थापना तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ है, 7 अप्रैल 1948 को हुआ है, इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख ले, निम्न में से कौन सी शक्ति का मात्रक है। मात्रक से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दरोगा बीपीएससी में इस समय पूछ रहा है, एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछ रहा है। एसआई मात्रक का जो आपसे क्वेश्चन पूछता है उसमें पूछ रहा है शक्ति, पावर जो होता है वो कार्य करने की दर आप बोल सकते हैं, पावर जो हो जाता है, और इसका होता है वाट। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। विद्युत धारा जो आपको होता है एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का आपको देखिएगा वोल्ट होता है। अब तो ये तो आसान क्वेश्चन था, वाट हो जाएगा सी। और एक पूछता है कि जो हॉर्स पावर है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछते तो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना होता है। सो ये पूछ रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में क्या क्या होता है, ये रहा हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक, इसकी संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या एक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर होगा ही होगा, कक्षा में सिर्फ इसका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन ना होता है, तो न्यूट्रॉन यहां पर जीरो आप लिख सकते हो, न्यूट्रॉन जीरो है और प्रोटॉन एक है, तभी तो परमाणु संख्या एक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होगा, ये टोटल जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना होगा। सो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के जो गुना होता है, ये आपको 1837 गुना होता है, कितना होता है, 1837 गुना होता है, इसे याद रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन से, आपको इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना अधिक होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है, कितना गुना होता है, यानी कि प्रोटॉन ही तो है, नाभिक में प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो कंपेयर कर ही रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन कितना गुना हो जाएगा, 1837 गुना होता है, ये आपको लगभग वही हो जाता है, न्यूट्रॉन भी लगभग उतना ही, वाइस वर्सा आपको देख सकते हो कि यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन भी उतना ही गुना होता है और न्यूट्रॉन भी उतना ही गुना होता है, ठीक, तो 1837 गुना होता है, इसे याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। कोई मान लो व्यक्ति है लिफ्ट में बैठल है, तो लिफ्ट में बैठल है तो उसका जब लिफ्ट का भार महसूस होता है, यानी कि लिफ्ट का जब भी भार महसूस होगा, तुम्हारे नीचे जो हड्डी है ना, ये देखोगे नीचे के जब हड्डी है, टिबिया आप देखोगे, जो पैर की हड्डी है वो देखोगे, उस पर थोड़ा जोर महसूस होता है जब लिफ्ट में आप बैठोगे, और लिफ्ट ऊपर के तरफ त्वरित होती है, यानी कि जब लिफ्ट गति से ऊपर जा रही है, त्वरित समान त्वरित गति से, यह ध्यान में रखना, समान त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर जाएगी तो तुमको लगेगा कि मेरे बल पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, और यह क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 17 के आंसर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, सभी लोग सही लगा रहे, गुड, ऐसे ही क्वेश्चन लगाइए आप लोग। पूरे वर्ल्ड कप नहीं हारना चाहिए था इस बार कल से मूड ऑफ है चंदन, मतलब ये क्या बात हुआ भाई, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, क्रिकेट का जहां जन्म हुआ है इंग्लैंड, वो पहले ही हार कर निकल गया तो उसको चिंता ही नहीं है। अरे भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, एक बात मुझे बताओ, फिर तो वही बात हो गया ना, अरे जो मेहनत करेगा, जो अच्छा करेगा, चेस करेगा, वो जीतेगा, और ये जीत का खेल है, हार का खेल है, खेल में एक जीतेगा एक हारेगा ही,
सिंपल सी बात है, एक जीतेगा हारेगा। इसको भगवान से नहीं जोड़ना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए, और इसको दिमाग से भी नहीं। अगर तुम कोई भी एडिक्शन को, एक बात ध्यान रखना, एडिक्ट वही कहा जाता है कि जब एक ही कार्य को तुम बार बार करोगे और उसके लिए तुम परेशान हो जाओगे अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो। और एडिक्शन खेल में भी होता है, नशा में भी होता है, प्यार में भी होता है, लड़ाई में भी होता है, जुदाई में भी होता है, सब चीज़ में होता है। और एडिक्शन अगर हो जाता है तो वही खतरनाक है। सिर्फ नशा जो करते हैं सिगरेट, वो नहीं खतरनाक है कि कैंसर से मर जाएंगे, नशा उनके लिए भी खतरनाक है जो कि क्रिकेट देख रहे, क्रिकेट देख रहे हैं और फिर सट्टा लगाने शुरू कर दिए, या क्रिकेट देख रहे, क्रिकेट देख रहे हैं, हारेगा नहीं, हारना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, कैसे हार जाएगा, पता चला हार गया, मार दिया, हार्ट अटैक, काम खत्म हो गया। तो जीवन से बढ़ के कोनो चीज़ है जी? अरे जीवन है तो खेल बनाया गया है जीवन को आनंद लेने के लिए, बाकी और कुछ थोड़े ना है कि जीवन को खेल को लड़ाई से तुम बैठ देख रहे हो। जैसे एडल्फ हिटलर देख रहा था, एडल्फ हिटलर क्या बोला, एडल्फ हिटलर जो था खेल को क्या कर रहा था कि वो ऐसा अपना जर्मनी बना रहा था कि हर फुटबॉल भी जर्मनी जीते, हॉकी भी जर्मनी जीते, क्रिकेट में तो जर्मनी शुरू से नहीं था तो उस बारे में नहीं सोचता था, चेस में भी जर्मनी जीते, और इसलिए विश्व के अलग अलग देशों से क्या करता था कि वो प्लेयर को खरीदने की कोशिश करता था। तो मेजर ध्यानचंद इंडिया की तरफ से खेल रहे थे, लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते थे 1900, आपको देखोगे कि 28 से ही, तो लगातार 3 से 4 जो गोल्ड मेडल जीते गए, तो फिर जो हिटलर उनके सामने गए, तो हिटलर सामने गए तो वही बोले कि आप हम लोग जर्मनी की तरफ से खेलो, इंग्लैंड की तरफ से मत खेलो, उनको भी खरीदने की कोशिश किए। तो उनका कहना था कि ना हम इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और ना हम जर्मनी की तरफ से, हम अपने भारत के वतन की तरफ से खेलते हैं। ये कहते किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब होगा, जब लिफ्ट आपको त्वरित गति से ऊपर जाता है। हमको तो कोनो टेंशन ही ना है, कोई हारे कोई जीते, बस हम मजा लेते हैं कि कितना मस्त क्रिकेट हो रहा है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, पेंडुलम जो घड़ी होती है वह तीव्र गति से चल सकती है, अब ये आपको बताना है। चलिए हम नहीं रोए 140 करोड़ में हमको बाहर निकालो। अरे बहुत से लोग क्रिकेट नहीं देखते भाई, फुटबॉल देखते, हम कबड्डी देखते हैं, हमको कबड्डी देखने में मजा आता है और उसके बाद फुटबॉल देखते हैं, तो हमको निकाल दो क्रिकेट के बारे, बस क्रिकेट इसलिए देख लिए कि इंडिया में हो रहा था और कुछ नहीं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, पेंडुलम घड़ी किस अवस्था में तीव्र गति से चलती है, तो शीतकाल में, और स्लो कब हो जाती है, ग्रीष्म काल में, क्योंकि पेंडुलम जो बना होता है उसका जो बना होता है धातु का बना होता है, ठीक ना, उसका जो ये होता है पेंडुलम का जो सुई होता है एक तरफ से, और वो गर्मी के कारण में क्या होता है कि धातुएं फैलने लगती है, इससे बढ़ जाता है लंबाई, लंबाई जब बढ़ेगा ओबीसी सी बात है क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है, लंबाई बढ़ेगा तो स्लो हो जाता है और लंबाई घटेगा ये समान रहेगा, तो ये शीतकाल में आपको देखने को मिलता है ना। 18 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, निम्न में से किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया था, पहला यौगिक, देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें ना कि माइक्रोस्कोप की बात करें, चलो गुरुजी आपने बोले हैं कि एग्जाम अदर स्टेट एग्जाम एग्जाम किया है, ये सभी आप वीडियो को जन अदर स्टेट एग्जाम किया है, बोले हैं कि एग्जाम अंदर स्टेट में नहीं, अदर स्टेट नहीं, अदर जिला बोलना, हो सकता है अदर स्टेट निकल गया, अदर जिला मैं बोलना चाहता था, कोई दिक्कत नहीं है, अगर अदर स्टेट बोल दिया तो अदर जिला मैं बोलना चाहता था, सॉरी। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया था, जकरियास जॉनसन ने बनाया था, जकरियास जॉनसन ने सबसे पहला आपको माइक्रोस्कोप बनाया था, यौगिक कंपाउंड माइक मतलब जोड़कर बनाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो छोटे से छोटा चीज को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक। एंटोनियो लोवेनहॉक ने सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, लेकिन ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर रहा था, इसलिए जकरियास जॉनसन, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है और आयतन कम होता है, तो ये आपका आपका सामने ऑप्शन है, तो आपका अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और आयतन जो होता है कम होता है, क्या होता है यहाँ पर, आयतन जो होता है ये कम होता है, सबसे कम होता है, और घनत्व क्या होता है इस पर, घनत्व जो होता है ये आपको अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 21 देखिए, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उनका कम है, बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरने लगते हैं, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाइए क्योंकि मुझे क्लास भी कराना होता है, और भी बादलों के वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण क्या होता है, घनत्व होता है, क्योंकि बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल में देखोगे, इसलिए वो तैरते रहते हैं, ठीक, और जैसे ही वो भारी होने लगते हैं तो बारिश होने लगता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, मृग मृक्षिका बनने का कारण क्या है, मृग मृक्षिका कहा जाता है जिसको आपको दिखाई देगा, मृग मतलब क्या होता है आपका, हिरण होता है, मृक्षिका मतलब क्या होता है, ऐसा प्रतीत होना, यानी कि
दिखाई देना। तो मृग मृचिका वो बनते हैं जब आप गर्मियों के दिनों में देखोगे रेगिस्तान वाला क्षेत्र में या कहीं पर जहां पर हिरन दिखाई देती है लेकिन जाने पर नहीं मिलती है, या आपको देखोगे पानी रोड पर गिर रहा है लेकिन जाने पर पानी नहीं मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है। ये जो प्रतीत होने के कारण होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जिससे हीरा चमकता है, कोई शीशा जब टूट जाता है तो उसका चमका हुआ भाग चमकता है। ये सब आपको बताना था तो ये आप बता दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन 23 देखो, जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित होते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर लगाइए, मैं आंसर देख ले रहा हूं कुछ लोगों का, चलिए लगाइए। नहीं, यूपी वाले को किसी को आंसर नहीं बनवाना है। चलो चलो अब चलो क्वेश्चन लगाओ, 23 का आंसर लगाओ सब लोग। सर बिहार पुलिस का बैच कब आएगा? सर बैच कब आएगा? सर बिहार पुलिस अधीक्षक को मुंगेर भागलपुर, भागलपुर बिहार सरकार को इस मामले में तरह बनाइए। 46, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो बिहार अधीक्षक। चलो बहुत अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? चिरकुट साहब डी लगा रहा है, मारेंगे पटक के तू सबको, ठीक है ना? डी कौन लगा रहा है जी? उद्वपार्तन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। अरे भैया तू जब धन इंसान हो, थोड़ा सा क्वेश्चन का वर्ड क्या बदला? हिम मने समझ रहे हो या बर्फ है? अरे छोटका छोटका हिमकरण जो होता है, छोटका छोटका बर्फ होता है, छोटका छोटका बर्फ नहीं गिरता। जम्मू कश्मीर में जाओगे, दार्जिलिंग में, कुल्लू में, मनाली में जाओगे तो बर्फ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जाड़े के दिन में गिरने लगता है, वो देखोगे हिमकरण होने लगता है। और वो ठोस जो होता है, ठोस होता है छोटा छोटा, वो सीधे गैस में बदल रहा है, यानी वाष्प। मतलब क्या होता है, कहां गया ये? सीधे वाष्प में परिवर्तित, वाष्प एक गैस होता है और सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उद्वपार्तन भैया, जैसे कि कपूर होता है, निपुथिलीन होता है, अमोनिया होता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, उद्वपार्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में धूल कण नहीं होते, ना के बराबर धूल कण है, और प्रकाश क्या होता है? धूल कण पर जब पड़ता है तभी तो आपको उसका रंग छितराता है, उजला प्रकाश का रंग छितराता है। अब कड़े नहीं है धूल, कड़े नहीं है, वाष्प फैबे ना किया है तो प्रकीर्णन होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो उनको काला दिखाई देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, लेड, लेड का परमाणु संख्या बताना है। लेड मैंने हम आम भाषा में शीशा बोलते हैं, लेड का जिसका जिसको पीबी हम लोग लिखते हैं शॉर्ट, तो ये जो लेड होता है ये परमाणु क्रमांक इनका बताना है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है लेड का, शीशा का। आप लोग जानते हैं जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो लास्ट में विघटित होकर शीशा बन जाते हैं, यानी कि ये 82 बन जाते हैं, परमाणु संख्या 82 होता है शीशा का। और जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, थोरियम है, यूरेनियम है, आपको जो भी है, ठीक, प्लूटोनियम है, ये जितने भी होते हैं इन पर अल्फा बीटा गामा जब निकलता है तो एक अस्थायी बन जाते हैं नाभिक, और अस्थायी नाभिक किसका होता है? शीशा का। और जितने भी 82 के ऊपर वाले नाभिक होते हैं, यानी परमाणु संख्या जितने भी 82 से ऊपर होगा, वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होने लगते हैं, यानी 83 या 83 से जितने भी ऊपर है परमाणु संख्या वाले, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होने लगते हैं, यानी कि उनका नाभिक अस्थायी हो जाता है और उनके नाभिक से अल्फा बीटा गामा निकलने लगता है रे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। और जितने भी आपको परमाणु हैं जो कि परमाणु ईंधन के तौर पर काम आते हैं, रेडियो एक्टिव परमाणु होते हैं, वो देखोगे लास्ट में अस्थायी शीशा बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया द्वारा जल ठंडा हो जाता है? तो मिट्टी के घड़े द्वारा क्या होता है कि जल जो होता है वाष्पित होकर बाहर आता है सतह पर, और उसके बाद उसका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, बाहर आता है सतह पर वो देखोगे तो निकलकर और बाहर की तरफ, और जो आता है जल उसका क्या हो जाता है? फिर हवा के कारण वाष्पीकरण होने लगता है, हवा और ताप के कारण फिर देखोगे जल का ऊपर से सतह ठंडा हो जाता है तो नीचे से सतह भी ठंडा हो जाता है, ठीक। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रोएंटजन द्वारा किया गया था? विल्हेम रोएंटजन द्वारा ये बताना है इसमें से किसका आविष्कार किया गया था। इन्होंने आपको एक्सरे की आविष्कार किया था, एक्सरे की आविष्कार किया था, देन उसके कारण क्या बना था इनके द्वारा? एक्सरे मशीन का आविष्कार किए थे, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। बिजली के बल्ब किसने आविष्कार किया था? अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था, ठीक, इसे याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, यहां से जल्दी जल्दी देखते हैं, समय काफी ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, पानी की कठोरता की जांच के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? पानी की जो कठोरता होता है उसके जांच के लिए निम्न में से हम क्या प्रयोग करेंगे? कठोर है कि नहीं है, ठीक। पानी की कठोरता के लिए निम्न में से किसका जांच किया जाता है ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 28। बहुत अच्छा, अब देखो पानी की कठोरता जो होता है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो पानी अस्थाई भी होता है और अस्थाई कठोरता होता है, दो प्रकार का होता है।
कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और फ्लोराइड के कारण देखोगे अस्थायी हो जाता है और अस्थायी जल्दी नहीं खत्म होता है, ठीक ना। बाकी देखोगे अस्थायी जो होता है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो साबुन से झाग बनना, साबुन से अगर झाग नहीं बनता है तो समझ लो ये पानी क्या है, ये कठोरता है, पानी कठोर पानी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 28 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। इससे पता चलता है कि साबुन से झाग नहीं बनता है, तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेना है आप लोगों को। डायनेमो परिवर्तित करता है, जो डायनेमो होता है ये किसको परिवर्तित करता है। डायनेमो का काम क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही आपको देखोगे विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन 30 देख लो। माउस को दो बार क्लिक करने पर, माउस देखोगे माउस जो होता है ऐसे पकड़ने, हाथ वाला जो माउस होता है, मूस नहीं माउस, और उसको क्लिक क्लिक दो बार करोगे तो उस किस में चला जाता है, सीपीयू में चला जाता है उसका कंट्रोल। ये ध्यान में रखना, वो किसको सूचना देने लगता है, सीपीयू में, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू, ये आपको सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। वाशिंग सोडा को आप देखोगे क्या बोला जाता है, धुवन सोडा बोला जाता है। धुवन सोडा मतलब कपड़ा पीचने वाला आप बोल सकते हो। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O होता है। और वहीं खाने वाला सोडा का आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये जो होता है ये आपको सी वाला जो दिया है ये खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा, ये जो होता है खाने वाला सोडा हो जाता है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और ए वाला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O धोने वाला सोडा। 31 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे टिम बर्सन ली जो हो जाएंगे ये वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। नायलोन धागा किससे बना होता है, जो नायलोन का धागा होता है कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला पहला पॉलीमर आप देख सकते हैं ये है। सो नायलोन जो होता है ये आपको पॉलीमर है प्रकार का, और नायलोन जो होता है धागा किससे बना होता है, तो पॉलीएमाइड से बना होता है। पॉलीएमाइड पॉलीमर से, पॉलीमर तहिबे किया है, तो पॉलीएमाइड पॉलीमर से ये बना होता है नायलोन का धागा। ये अच्छा क्वेश्चन था, बन सकता है आपके एग्जाम में, हमेशा बना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। HTTP का पूरा नाम क्या है, HTTP का पूरा नाम आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है, HTTP पूरा नाम बताओ। तो होता है हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफर और पी से प्रोग्राम। ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। दूरबीन का आविष्कार किया गया था, दूरबीन जो है ना, ठीक, खगोलीय जो चीज है उसको देखने के लिए, खगोलीय पिंड को देखने के लिए, ग्रह को देखने के लिए दूरबीन का आविष्कार किया जाता है। और दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो गैलीली ने किया था, ठीक। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो किया गया था वो गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किए थे, ठीक। आगे चलते हैं 36 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण है, यहां पर बताना है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इनमें से कौन सा गुण है। SiO2 जिसको हम लोग आम भाषा में सिलिकॉन ऑक्साइड भी बोल देते हैं, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये है। और ये आपको देखोगे कहां मिलता है, बालू वाला क्षेत्र में, जैसे कि रेगिस्तान वाला क्षेत्र में मिलेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आम बालू में मिलता है ये। जैसे ही बालू उठाते हो तो तुम लोग को हाथ में ये भी आ जाता है। तो ये बताना है इसमें से क्या होगा, और इसी का प्रयोग कर हम शीशा भी बनाते हैं, ठीक। तो इसका पूछ रहा है, इसका जो आपको ये पूछ रहा है, तो ये क्या पूछ रहा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक। शीशा हो भी ना करता है तो ये क्या होगा, ये मृदु होता है, ये भी गलत है। इसका गलनांक उच्च होता है, ठीक। इसका गलनांक जो होता है ये उच्च होता है, आपको पता होना चाहिए इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है, ठीक। तो ये 1700 के करीब जो होता है डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है, और आपको देखोगे क्वथनांक जो होता है ये लगभग 2900 डिग्री के सेल्सियस के करीब हो जाता है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देख लो। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है, सबसे कठोर जो तत्व होता है ये बताना है इसमें से कौन है, सबसे कठोर तत्व एक बताना है इसमें से कौन हो जाएगा। लगाइए क्वेश्चन 37 लगाइए, 37 का आंसर लगाइए। चौंतीस नंबर फिर से चेक कीजिए सर, एक मिनट रुको, चौंतीस नंबर फिर से चेक कीजिए, एक मिनट रुक जाओ। ये 34 नंबर फिर से, यहां पर देखो ये दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है भाई।
पी से प्रोग्राम नहीं होता, प्रोटोकॉल होता है। नेट में प्रयोग तुम लोग करते होगे, सही बोल रहे हो, मैंने चेक किया, गड़बड़ है, एक बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी सॉरी, जल्दीबाजी में हो गया। चलो बहुत अच्छा, रोजगार भी जाए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होता है आपको, HTTP का फुल फॉर्म जो होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। प्रोग्राम नहीं होता है, प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा दोनों, ये क्या हो जाएगा यहां पर, बी हो जाएगा। अरे नेट उठ चालू करते हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, तुम्हारा कोई भी जगह का जो है नेट जहां से चालू करोगे उसके लिए लगाते हो HTTP. फिर आगे का जो भी। चलो ये चीज हो गया, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे सब ठीक है। 37 देखो, सबसे कठोर तत्व आपको बताना है, सबसे कठोर इसमें से तत्व कौन सा हो जाएगा, ये लगाइए। चलिए मैं कमेंट कर रहा था लोक कुमार, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, मान लो मिस्टेक बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, ठीक, तो कोई चीज नहीं, आप लोग सुधार कर लिया करो, अगर कोई भी डाउट है तो तुरंत बोला करो तुम लोग, तुरंत हम देखते हैं। ये बताना है इसमें से कौन हो जाएगा यहां पर, ठीक। तो देखो सर्वाधिक कठोर तत्व इसमें पूछ रहा है आपको, तो ये क्या हो जाता है यहां पर, देखो सर्वाधिक कठोर जो होता है पदार्थ यहां पर देना चाहिए था, यहां पर पदार्थ देना होगा, पदार्थ में हो जाता है कौन सा, हीरा हो जाता है, हीरा, हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक। बाकी ये सभी में आप देखोगे टंगस्टन हो जाएगा तत्व में पूछे तो। 37 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और हीरा कहीं ना कहीं कार्बन का प्रूफ होता है, तो उसे आप उस तरीके से देख सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है, बताना है कि पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु, कार्बन का ही तो अप्रूफ होता है, कार्बन भी एक तत्व ही है, कार्बन भी तो एक तत्व ही है ना, हीरा भी, ठीक, वही चीज है, और आपको ग्रेफाइट भी वही चीज है। पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है, पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु होता है, तो यह होता है जस्ता और आपको तांबा का, ठीक, जस्ता और तांबा का होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 39 नील, जो क्वेश्चन में पूछता है वो मैंने आपको सुधार कर लिख दिया। नीला थोथा क्या है, नीला थोथा आपको बताना है इसमें से क्या होता है, नीला थोथा क्या होता है, CuSO4, CuSO4 यही ना होता है नीला थोथा, इसे क्या हम लोग बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, नीला थोथा को क्या बोला जाता है, कॉपर सल्फेट बोला जाता है, और इसका आराम से आंसर लगा लेना, CuSO4 क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट इसे बोला जाता है, क्यूप्रिक सल्फेट भी, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, 39 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्लेंटोलॉजी नामक संघ का, प्लेंटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, प्लेंटोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, प्लेंटोलॉजी में हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जीवाश्म का आधार पर, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, तो यहां पर एक ही ऑप्शन में जीवाश्म है, ठीक, यानी जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी पर जीवन का हम लोग पता लगाते हैं या इतिहास पता करते हैं, कोई भी पेड़ पौधा कोई भी जीव जंतु जिसमें जीव के मौजूदगी होगा यानी कि जान की मौजूदगी होगा उसका पता लगाया जाता है प्लेंटोलॉजी में। और प्लेंटोलॉजी में आपको पता है जीवाश्म की उम्र कैसे पता लगाया जाता है, तो कार्बन 14 पद्धति जो है उसका इस्तेमाल कर, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, निम्न में से CNG है, CNG जिसे बोला जाता है, CNG क्या है आपको बताना है, तो यह होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, क्या होता है कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, CNG के तौर पर आम हम लोग मीथेन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑटो जो चलता है ना इस समय वो CNG लिखा रहता है, ग्रीन कलर का आपको उस पर इंडिकेशन बनाया जाएगा, और CNG मतलब मीथेन का इस्तेमाल करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस आपूर्ति किस रूप में जाती है, जो सिलेंडर होता है, जो हमारे घर में सिलेंडर आता है उसमें हम लोग गैस आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे कहा जाता है, यानी LPG कहा जाता है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे कहा जाता है, इसको हम लोग किस अवस्था में लेकर आते हैं, तो ये लिक्विफाइड मतलब तरल होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ये, ध्यान में रखिएगा, सो ये तरल अवस्था में होता है और बहुत दाब से ये भरा जाता है, बहुत दाब से भरा जाता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। और इथाइल मरकैप्टन जो होता है इसके गंध के लिए जाना जाता है, इथाइल मरकैप्टन जो होता है गंध इसके लिए होता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। सो 42 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करते हैं, सुरक्षा के दृष्टि से अच्छा होता है, सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है, ये इसमें से बताना है आप लोगों को, ठीक। आप जानते हैं, आप कल से फिर से आप लोग अपना तैयार रहिएगा, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, पहले नंबर बोल दे रहा हूं कि तुम्हारा जो टाइमिंग है साइंस का 12:30 बजे दोपहर में, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा, यानी कि 12:00 बज के
30 मिनट पर स्टडी मोड पर ये 70 क्वेश्चन ही मैं कराने की कोशिश करूंगा। पहले के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर ले रहा हूं कि रिवीजन हो जाए, नया नया क्वेश्चन भी मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन हर तरीके से आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी हुआ, सीडीएस हुआ, एनडीए हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बिहार एसआई हुआ, ये सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। तो आप हर टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में सुरक्षात्मक यानी कि एपिथेलियम जो टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं उपकला उत्तक। सो उपकला उत्तक क्या करता है, हमारे शरीर में भी आपको सुरक्षा का काम करता है, पशु के शरीर में भी सुरक्षा का काम करता है। ये हमारे पूरे जो बाहर का जो भी ये जो उत्तक आपको दिखाई दे रहा है पूरा एकदम विस्तृत, ये एपिथेलियम उत्तक ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। बाकी जो उत्तक होते हैं, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और एपिथेलियम मतलब उपकला उत्तक होते हैं। उत्तक का ये प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है, वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है ये कौन सा होता है, ये होता है जो हम लोग जो खेत उत में जो होता है केचुआ जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी का तो पालन होता है ना, तो अर्थ वर्म होता है। अर्थ मतलब पृथ्वी और मतलब जो आपको केचुआ का पालन आप देखोगे वर्मी कल्चर में किसका हो जाता है तुम्हारा, आपको खाद के तौर पर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में काम आता है, साबुन बनाने में इनमें से कौन सा आपको पदार्थ से साबुन बनाए जाते हैं, ठीक। किरोसिन तेल से थोड़े ना साबुन बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल से हम लोग क्या करते हैं साबुन बनाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देख लो, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, आलू के चिप्स जो होते हैं, जो चिप तुम लोग नहीं खाते हो, थोड़ा चिप लाओ तो जी हम दिखाएं, तुम लोग उधर से जाओ, थोड़ा चिप लेकर आ, चिप्स में आपको दिखा रहा हूं, चिप जो होता है आलू का जो चिप्स होता है, थैला जो होता है, मैं बना मंगवा कर रखा था, कल क्रिकेट मैच था इसके लिए कि चिप्स खाऊंगा, सुधा वाला कोल्ड ड्रिंक मंगवा रखा था, और ये देखो ये जो चिप्स लेस है ना ये लेस, ये है तुम्हारा आलू का चिप, इसमें देखोगे गैस भरा हुआ है, गैस है ना ये, अब ये जो है ये जो लेज है इसका ब्रांड एम्बेसडर भी जानते ही होंगे, क्रिकेटर एम एस धोनी है अभी, ब्रांड एम्बेसडर मतलब किसकी जो प्रचार करते हैं। अब ये तो देखोगे कि ये आपको क्या है कि ये इसमें आलू है, आलू और कुछ नहीं है। पहले हम लोग जो ना बनता था, हम लोग नहीं बनता था, अरे हम हमें चिप दिखाए खाते, चिप मतलब आलू को ऐसे आपको घिस कर निकाला जाता है और उसको सुखवा लिया जाता है, छान दिया जाता है, थोड़ा सा नमक मार दिया जाता है, वही चिप हो गया, इस पर थोड़ा सा मिर्च मसाला भी मार दिया जाता है। तो ये इसमें गैस भरा है, गैस, इस गैस को इसलिए भरा है कि ये जो इसमें आलू है ना जो छान कर रखा हुआ है वो ऑक्सीकरण ना कर पाए, ऑक्सीकरण ना कर पाए मतलब कि इसमें ऊपर से फफूंदी ना लग पाए, ठीक ना, आप समझ रहे हो ना, और इसीलिए इसमें क्या हम लोग भरते हैं जो रिएक्टिव ना हो, आपको कौन हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस देखो ऐसे जैसे ही इसको हम फाड़ेंगे, देख ले कितने के मुंह में लार आ गया होगा, बुड़बक सब, तो देखो इस पर सब लिखा भी रहता है कि क्या क्या इसमें होता है, ऐसे ही जैसे हम लोग फाड़ेंगे ऐसे, फाट का ना रहे हो जी, ऐसे देखो ये गैस निकल गया, ठीक। अब फिर इसको मुंह में डालोगे ना तो बड़ा मजा आता है, देखो चलो पढ़ाई करो आप, चलो यहां पर देखो इसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, क्यों भैया, कि नाइट्रोजन गैस नहीं रिएक्शन करने देता है, ठीक, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भरा रहेगा तो खुद ही खराब हो जाएगा, पैकेटे में खराब हो जाएगा, भुकड़ी लग जाएगा। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो आगे लगाओ 47, ये 47 है, ये देखो मासुपियल्स जो होते हैं सो मासुपियल्स जानवर का एक प्रकार है, आप याद रखिएगा ये जानवर का ही प्रकार है। सो मासुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या होती है, तो मासुपियल्स क्या होते हैं आप देखोगे, कल किसके साथ मैच था बताओ, कल किसके साथ मैच था, यानी कि फाइनल जो मैच खेला है इंडिया किसके साथ, हैप्पी बर्थडे किकरा, हैप्पी बर्थडे, चलो चलो क्वेश्चन लगाओ, ठीक। मासुपियल्स जो होते हैं कंगारू को कहा जाता है, कंगारू जैसे जानवर जो होते हैं उनके बच्चा जो होता है पूरा विकास नहीं कर पाता है, इसलिए उनमें एक थैला बनाया होता है, उसमें दूध पिलाने का व्यवस्था भी होता है, मूड़ी निकालकर दूध पीने लगता है लोग, तो थैले में रखता है, यानी बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, ये बच्चों को थैलों में ले जाते हैं, मासुपियल्स जो होते हैं जैसे एग्जाम्पल कंगारू जो हो जाते हैं, कंगारू, ठीक।
इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए हो जाएगा। आगे देखते 48 देखो, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का जो सिरका जो होता है रासायनिक नाम आपको खट्टा होता है, सिरका अम्ल है, तो सिरके का रासायनिक नाम बताना है इसका क्या होता है। और सिरके का नाम होता है एसेटिक अम्ल होता है, एसेटिक अम्ल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, CH3COOH, ये जो होता है एसेटिक अम्ल होता है और ये सिरके का नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन आगे देखो 49, नॉन स्टिक फ्राइंग कड़ाही में लेप लगा रहता है। नॉन स्टिक जो फ्राइंग कड़ाही होता है उसमें काला रंग का लेप लगा रहता है, जो कड़ाही होता है वो जल्दी जलता भी नहीं लेकिन तीव्र गति से वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और खाना भी बन जाता है बढ़िया से। सो नॉन स्टिक फ्राइंग कड़ाही में जो होता है ये बोल रहा है कि इसमें किसका लगा रहता है, ये टेफ्लोन का, टेफ्लोन लगा रहता है लेप। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, मस्त क्वेश्चन है। मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? यानी हमारे रक्त में भी देखोगे कि एक घटक बनाए जाते हैं, घटक हैं जो कि तुम्हारे शरीर में जो भी प्रतिरोधक क्षमता है उसको देते हैं। चलो चलो क्वेश्चन लगाओ। कहा तुम लोग लिख रहे हो जी, कहा लिख रहे हो? गुरु जी बुक्स को पहले छपवा दीजिए ना, तो एग्जाम से पहले हम लोग बुक्स पढ़ लेंगे। ओके ओके, काम चल रहा है, अभी सेट हो जाने दो, मैं कोशिश करूंगा, बाद में एक जानकारी दूंगा तुम लोगों को। चलो अभी क्वेश्चन लगाओ। मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक प्रतिरोधक क्षमता बनाता है? ये कौन सा है? तो श्वेत रक्त कणिका है। श्वेत रक्त जो होता है यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल। अब जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, इसका जीवन काल 2 से लेकर 5 दिन तक होता है, लेकिन ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। इसे याद रखिए, डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51, शक्कर के किड़वन से क्या बनता है? शक्कर के किड़वन से जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है दारू, और दारू क्या होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एल्कोहल बनाया जाता है जिसे सामान्य भाषा में हम दारू बोलते हैं, और जो ये मिथाइल एल्कोहल होता है ये खतरनाक मतलब विषैला दारू होता है, अंधा कर देगा या तुमको मार देगा, मर जाओगे पियोगे तो। इसलिए मिथाइल जो एल्कोहल होता है कभी कभी क्या होता है कि किड़वन तो किया जाता है लेकिन इतना जल्दीबाजी में होता है और सस्ता होता है कि मिथाइल एल्कोहल बन जाता है, और वहीं देखोगे कि बहुत जगह पी कर लोग मर जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि जहरीला दारू पीने से यहाँ पर इतने लोग का निपटारा हो गया। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल। तुम्हारा जो बियर होता है उसमें 5% के करीब इथाइल अल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फलों के पकने में बढ़ावा देता है? फल को पकने में बढ़ावा देता है ये बताना है, लगाइए। सैंपेन, सैंपेन बड़ी महंगा मिलता है, सैंपेन ये सब जो ये सब ठंडे क्षेत्र के लिए बनाया गया था, सैंपेन हो गया और भी जैसे विस्की, सैंपेन ये सब जो होता है ठंडे क्षेत्र के लिए बनाया गया था, हम लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। हम लोगों के लिए बनाया गया था पता है तुमको क्या, हम लोग को बनाया गया था जो दही होता है ना, दही, उसका दही को जमा लो और उसको क्या करो, चीनी डालो और उसको बनाओ, लस्सी जिसे हम लोग बोलते हैं, और उसको पी लो। वो हम लोग यहाँ के ज़्यादा ठंडा पड़ता नहीं है, वो ठंडे प्रदेशों के लिए, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, उस क्षेत्र में देखोगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ये सब ज़्यादा आपको मिलता है। हम लोग दही वाला चीज़ बनाया गया था, और साउथ में जैसे वही दही वाला चीज़ हम लोग की तरफ बनाया गया था। ठीक, वही देखोगे जो असम की तरफ जाओगे तो अनास का हड़िया में किड़वन किया जाता है और उससे एल्कोहल बनाया जाता है कि अगर वैसा मौसम आए तो पिए एनर्जी के लिए। साउथ में जाओगे तो अनास से काफ़ी बनाया जाता है, तो ये चीज़ हम लोग की तरफ बनाया गया था। और अंगूर, अंगूर वाला जो देखने को मिलता है वो आपको इटली हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से फलों को पकाना है? फलों को पकाने के लिए हम लोग जिसे कार्बाइड कहते हैं, एथिलीन जाना जाता है, एथिलीन एक गैस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 53 देखो, निम्नलिखित में से किसने हंसने वाली गैस कहा जाता है? हंसने वाली गैस मतलब लाफिंग गैस कहा जाता है, इसे एंथीसिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 54, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? पुतली के आकार कैसे नियंत्रित होता है? जैसे कि तुम्हारा आंख में अगर लाइट बार दिया जाए, अचानक लाइट बार दिया जाए, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जो पुतली होता है वो सिकुड़ जाता है। क्या सिकुड़ जाता है बताओ? अचानक लाइट बार कर अपना देखना, वो सिकुड़ जाता है, और जैसे ही लाइट हटाओगे वो फैल कर बड़ा हो जाता है। ये पुतली देखा जाता है, जैसे ही तुमको बेहोश होते हैं या जैसे ही कोई बीमारी होता है तो सबसे पहले ऐसे कपार पर ऐसे ऐसे डॉक्टर क्या कहते हैं, हेलो हेलो, मतलब कि ऐसे तुमको पहले जगाते हैं और फिर तुम्हारा आँख में ऐसे बार कर देखते हैं। क्या बार कर देखते हैं? तुम्हारे आँख में वही पुतली देखते हैं,
कि पुतली जो है उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पुतली जो है बढ़ रहा है घट रहा है, यानी प्रकाश के प्रति तुम्हारा सेंसिटिव है कि नहीं वो पुतली जो है। ठीक, अब वो देखोगे ऐसे पुतली बार कर देखेंगे और देखेंगे कि क्या है, वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो कहेंगे ये निपटारा हो गया। ठीक, इसका काम खत्म, यानी कि आंख की पुतली तुम्हारा काम खत्म हो गया, और पुतली का काम खत्म मतलब पुतला भी काम खत्म। चलो यहां देखो, और इसको जो नियंत्रित करता है ये करता है तुम्हारा कौन, परितारिका करता है। क्या करता है, परितारिका करता है, कॉर्निया। इसका आंसर कॉर्निया नहीं, परितारिका यहां पर हो जाएगा। ठीक, आयरिस जिसे हम लोग बोलते हैं ये करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। सोडा वाटर हो, बिस्की हो, सैंपेन हो, वगैरह वगैरह, थम्सम, कोला, कोका, जो भी है, सेवन अप है, माउंटेन ड्यू है, तो ये जो भी पीते हो और बोतल से जो निकलता है गैस वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ए। बहुत अच्छा, चलो चलो बढ़िया। अच्छा, एक बार वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दो, जो लोग नहीं किए हैं वो प्लीज़, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और मतलब अच्छा लगता है कि वीडियो आप बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को, मतलब ठीक लग रहा है। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो है बकासाइट, और बकासाइट सबसे अधिक देखोगे कहाँ पर है, ये उड़ीसा में देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक, एल्युमिनियम का है। कैलेमाइन किसका है, कैलेमाइन जिंक का है। कैलेमाइन किसका अयस्क है, जिंक का। क्वेश्चन 57, हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जो गैस जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सो हाइड्रोजन गैस कैसे जलेगा, ऑक्सीजन होगा तभी तो जलेगा ना, ऑक्सीजन जलाने के लिए काम करता है। हाइड्रोजन जलता है, जलने वाला चीज है, और ऑक्सीजन जलाता है, यानी हाइड्रोजन जब भी आता है ऑक्सीजन के पास बोलता है तू जलने वाला है ना, तू जलता है ना, देखकर देख तुरे जला देते हैं। तो हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है वो क्या बनता है, और जब जलाने वाला, एक जलाने वाला और जलने वाला, वो चीज जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ठंडा हो जाता है वातावरण। आदमी कहता है ना कि समाज में से जलने वाला और जलाने वाला दोनों को हटा दो, समाज क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वैसे ही होता है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, ये पानी बनता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2O, जो किसी का काम आता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। छोटी हड्डी है, मानव शरीर में जब बच्चा पैदा लेता है तो टोटल 300 हड्डी होता है, जैसे जैसे बच्चा जवान होने होते रहता है तो उसके हड्डी के बीच के जो गैप है बढ़ते जाते हैं और बहुत से हड्डी ज्वाइंट हो जाता है, तो टोटल 206 हड्डी हो जाता है हम लोग की उम्र में। ठीक, अब यह चीज़ है कि हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, और हड्डी में पूछ रहा है कि मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कनवा का हड्डी है स्टेपिस। देखो, मिलनियस, स्टेपिस, इनकस, ये सभी कान के ही हड्डी है, लेकिन इसमें सबसे छोटा जो हड्डी है स्टेपिस है। ठीक, और फीमर जो होता है ये सबसे बड़ा हड्डी होता है, जो जांग का हड्डी होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, विटामिन सी को क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। इसके कमी से एस्कॉर्बी रोग हो सकता है, मसूड़े में खून आ सकता है, फट सकता है, और ये सबसे मस्त मिलता है, यानी ज्यादा मिलता है आंवला, आंवला का अचार इसलिए बोला जाता है खाओ, या कच्चा आंवला खाओ अगर विटामिन की कमी है सी का, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, पैरिया भी नहीं होगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, जो मानव होते हैं या पक्षी होते हैं इनके जो हृदय होते हैं चार कोष्ठकीय होते हैं, चार कोष्ठकीय होते हैं, दया नीले, बाया नीले, दया अलिंद, बाया अलिंद, ये चार कोष्ठकीय में भागे रहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्वेश्चन 61 देखो, रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच वैल्यू जो मापता है अम्लीयता क्षारीयता मापता है, 7 से नीचे अगर पीएच वैल्यू है तो वो अम्लीय है, 7 से ऊपर है तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन है। और ये जो सरेंसन द्वारा दिया गया था रक्त की अम्लीयता क्षारीयता मापने के लिए पीएच वैल्यू, और ये जो होता है रक्त जो होता है थोड़ा से क्षारीय होता है, इसलिए जब भी हाथ कटता था तो तुम खून पीते होगे तो थोड़ा सा नमकीन लगता होगा कि ये भैया देखना, मतलब कभी ऐसा ना बचपन में तो तुम लोग देखे ही होगे कि खून जब गिरता था तो अरे खून पीले पीले तुम खून बन जाएगा, ऐसा वास्तविकता में ऐसा चीज होता नहीं है। ठीक, 61 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान होते हैं, मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान क्या होते हैं ये बताना है आप लोगों को, मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान। चलो लगाओ इसका आंसर, मैं देख रहा हूँ कौन सही कौन गलत लगा रहा है। ठीक, क्या लिख रहे हो ऑल वर्ल्ड, क्या सर हम भी चिप्स खाएं, खा लो, का दिक्कत है, पैसा ले खरीद कर लाओ खाओ, हम तुम्हारे मुंह में क्या डाल दें, बताओ इसका, बताओ 62 का भाई, तुम लोग पहले उड़ रहे हो।
जीके का क्लास स्टार्ट होगा, जीके का मटेरियल तैयार हो जाने दो, डेली आपको क्लास होगा, चिंता मत करो, हर क्लास स्टार्ट करेंगे। चकास चेनारी से कौन लिख रहा है, मास्टर जी एग्जाम कब हुई? ये देखो ये हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री जो सेल्सियस होता है, समान तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में, फारेनहाइट में जो होता है 98.6 के करीब आपको हो जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो 63, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? लड़ो और उड़ो यानी कि खतरा देखते ही उड़ जाओ, लड़ो, दोनों में से कोई काम करो, पतला है तो बाज कर पटक कर मार दो दो घुसा तो लड़ो, अगर भारी मुश्चंड भेटा गया आगे सामने तो भाग जाओ। ये जो लड़ो और उड़ो के हार्मोन से नाम से जाने जाते हैं, ये आपको कौन हो जाते हैं? एंड्रिलिन हो जाते हैं। एंड्रिलिन ग्रंथि से एंड्रिलिन हार्मोन जो स्रावित होते हैं उन्हें कहा जाता है लड़ो और उड़ो। ये तुम्हारे उत्तेजना को बढ़ा देते हैं। ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 64 देखो, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? जब पेड़ पौधे जो होते हैं खाना तैयार करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है। चलिए बताइए। सर जी आप पार्टी ना दिए, ये बहुत गलत बात है, पुलिस बन गए और पार्टी ना दिए। सुमन चौधरी, हम कहिए पुलिस बन गए, हम कहिए पुलिस बन गए कि तुमको पार्टी दे। सुमन का रात में सपना देखती हो कि संजय सपना देखने शुरू कर दी, नींद में लगा रही हो क्वेश्चन, हमको लग रहा है गलत जगह कमेंट कर दी हो, हमको लग रहा है कहीं और कमेंट करने वाली थी तू, और नींद में हो बेचारी। अब वो तो बताओ, बोल रही है सर जी आप पुलिस बन गए, आप पार्टी नहीं दिए, ये कौन बोल दिया कि हम पुलिस बन गए? आप पुलिस बन जाएंगे तो फिर तुम लोग का लड़ाइया कौन लड़ेगा? चलो लगाओ। पौधे और पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 के आंसर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, 64 के आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। खसरा की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? खसरा की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? खसरा की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है यह बताना है। चलिए लगाइए, राम राम सभी को, क्वेश्चन लगाइए। फिर से देखिए 62 नंबर। ओके ओके ओके, कोनो स्ट्रॉन्ग गर्ल है वो बोल रही है 62 नंबर। फिर से देखिए, ओ गुड। देखो 37 डिग्री सेल्सियस में होगा, 37 डिग्री सेल्सियस में होगा, लेकिन केल्विन भी दिया हुआ है 310 केल्विन। ये भी सही है, 310 केल्विन भी सही है और आपको 37 डिग्री सेल्सियस भी सही है। तो ये केल्विन की जगह पर यहाँ पर कुछ और डालना था, यानी रूमर यहाँ पर डालना था, तो ये चीज गलत है, मिस टाइपिंग है। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस डी, दोनों हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर स्ट्रॉन्ग गर्ल सोनी कुमारी। ठीक, बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे तुम लोग पढ़ने लगोगे तो फिर तो धागड़ कबाड़ दोगे भाई तुम लोग, तुम लोग तो फिर तो तुम लोगों से हाथ ही कोई ना मिलाने वाला रहेगा। जब तुम लोग को गलती समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर गलती हो रहा है, सर जी यहाँ पर छूट रहा है, तो वो चीज़ तो फिर तुम्हारा एक अलग ही लेवल तक लेकर जाएगा। क्वेश्चन 65 देखो, खसरा की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? खसरा जो होती है ये निम्न में से किसके कारण होती है आपको बताना है। चलिए लगाइए, तीन सौ दस में डिग्री में नहीं होता, डिग्री डिग्री तो हर चीज में होता है बुड़बक, डिग्री तो हर चीज में होता है, ऐसे कैसे कह सकते हो? डिग्री कुछ नहीं है, सेल्सियस हुआ, फारेनहाइट हुआ, केल्विन हुआ, रूमर हुआ, ये सब नहीं यूनिट होता है। चलो, खसरा की बीमारी निम्न में से किसके कारण से होती है? ये जो होती है वायरस जनित बीमारी है। क्या है ये? आपको वायरस जनित बीमारी है, इस बात को ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखो, आयोडीन उन बीमारी व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, जो आयोडीन दी जाती है उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो कि पीड़ित होते हैं। ठीक, चलो, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो कि पीड़ित होते हैं। एप्लीकेशन में बिहार पुलिस का देखो, बात यह है कि बिहार दरोगा बिहार पुलिस दोनों का अभी सब चीज बंद किए हुए हैं, छठ के छुट्टी था, परसों रोज से सब चीज स्टार्ट हो जाएगा, तुम लोग का सब चीज मिलने स्टार्ट हो जाएगा। मैं थोड़े ना जानबूझकर रोककर चलता हूं भाई, बीच में त्यौहार था, छठ जैसे त्यौहार में नहीं छुट्टी करोगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा इस ध्याय से। बाकी तो तुम लोग को टेस्ट तो इतना मिलेगा, तुम लोग बोलोगे सर जी बस हो गई, अब हमने के पास इतना क्वेश्चन के हमने के भंडार हो गए, बाकी कहीं भी बैठल जी तो उड़ा दिया। चलो, आयोडीन बीमारी जो होती है ये किसके कारण? घेंगा बीमारी हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है कम स्रावित होता है, इसके कारण तुम्हारा थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है, जिसे गलगंड रोग बोला जाता है या घेंगा बोला जाता है, और जो वो होता है आयोडीन के कमी से होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है,
भारत में एक मिशन लाया गया था, मिशन इंद्रधनुष अभियान, ये बताना है ये किससे संबंधित है। चलो लगाओ। जय हिंद मास्टर जी, पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहता हूं मास्टर जी। क्या बात है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हो, कभी चल जाओ लोटा लेकर उस पार, देख कराओ कैसा माहौल है। चलो क्वेश्चन लगाओ। अरे 25 दिसंबर 2014 को जो शुरुआत किया गया था मिशन इंद्रधनुष, ये जो शुरुआत किया गया था ये टीकाकरण, बच्चों के टीकाकरण से है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसके आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बस अब लास्ट क्वेश्चन है, अंत वाला, तो सब भला, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, एक घंटे के अंदर मुझे ये क्यूज खत्म करना होता है। 68 देखिए, एड्स के विषाणु किसकी वृद्धि से प्रभावित होते हैं, जो एड्स वाला विषाणु होते हैं जिसे एचआईवी कहा जाता है, एचआईवी जो होता है, एचआईवी एड्स के जो आपको विषाणु होते हैं ये वृद्धि को प्रभावित करते हैं, वृद्धि होने लगता है किसकी कमी से, तो एक डब्ल्यूबीसी का ही आप देखोगे, यानी जो T4 सेल होते हैं, T4 जो सेल होते हैं इसकी कमी के कारण आप देखोगे रक्त में क्या हो जाता है कि तुम्हारा प्रतिरोधक क्षमता की कमी बहुत ज्यादा हो जाता है और एचआईवी वाले विषाणु तुम पर हावी हो जाते हैं जिसके कारण एड्स हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी सेल्स के बी हो जाएगा, टी फोर सेल्स होता है, तो टी सेल्स 68 के आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, स्तंभ क में दी गई सूचनाओं को स्तंभ ख में दिया, मिलान करना है, स्तंभ गया तेल लेने, यहां पर मिलान कराओ, ठीक, क्वेश्चन मिलान करो कि ये जो दिया हुआ है इसको मिलान करना है, कहां कहां से मिलान करोगे ये, चलो मिलान करो। मिलान कीजिए, लव यू ऑल माय सिस्टर एंड ब्रदर, मदर एंड फादर लिख देते। चलो क्वेश्चन देखते हैं यहां पर कि सभी लोग, अब बुरा मत मानना, मदर फादर लिखने का मतलब सिर्फ अपने मामा पापा नहीं, मतलब और भी तो है ना, जिसे चाचा कहते हैं, जिसे फूफा कहते हैं, सब लोग बड़े बुजुर्ग, ऑल ब्रदर एंड सिस्टर सब हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। चलो रंध्र जो होता है ये किसको प्रभावित करता है, वाष्पोत्सर्जन को, इसके द्वारा ही होता है वाष्पोत्सर्जन, यहां पर देख सकते हैं। जाइलम जो होता है जल के अवशोषण के लिए जाना जाता है। मूल रोम किसके लिए होते हैं, मूल रोम जो होते हैं ये होते हैं जल के, एक मिनट, मूल रोम होते हैं ना, यहां पर मूल रोम जो हो जाएगा जल के अवशोषण के लिए हो जाएंगे, ये हो जाएगा थ्री का फर्स्ट, हो जाएगा थ्री का फर्स्ट कहां दे रहा है, देखो थ्री का फर्स्ट, देखो एक ही ऑप्शन में दिया है, यहां से भी तुम पकड़ सकते हो, ठीक। जाइलम जो होते हैं ये जल के परिवहन के लिए होते हैं, यहां पर फोर हो जाएंगे, और यहां पर फ्लोएम जो होते हैं ये भोजन के परिवहन के लिए होते हैं, और जो रंध्र जो होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि सही में वन का टू आ गया, यहां भी आपको बी हो जाएगा। चलो बी हो जाएगा, और यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, मैंग्रोव के पेड़ वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, मैंग्रोव वनस्पति जो होता है ये बताना है। हाँ, ऑल आंटी एंड अंकल, चलो फादर और मदर एक ही हो सकते हैं, बात तुम्हारा एकदम सही है। अंकल एंड आंटी लव यू सबको, मेरे तरफ से भी सबको लव यू, मैं किसी को भाई एंड बहन नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास भाई भी है और बहन भी है, तो अगर कुछ और बनना है तो सबको लव यू, ठीक ना, बचपन सब, बड़का भैया सब, छोटकी दीदी सब, ठीक। चलो अब मैंग्रोव के वे पेड़ जिनमें होता है क्या होता है भैया, इसमें श्वसन करने वाली जड़ होती है, कहां है भैया श्वसन करने वाली जड़ होती है ये बताओ, क्योंकि इनका जो जड़ होता है देखो कि ये ताना से भी बाहर निकल जाता है या पानी से भी बाहर निकल जाता है, ये जो मान लो ये आपको मैंग्रोव वन है ये तुम्हारा पानी है ना, ये पानी है, इधर आपको मैंग्रोव जमा हुआ है, ठीक, ये यहां से बाहर निकल जाता है, किस लिए, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगता है, बाहर से ऑक्सीजन लाने लगता है, और मैंग्रोव वन जैसे कि सदाबहार, जो जैसे कि तुम्हारा मैंग्रोव हो गया, सुंदरी वन जो है वो मैंग्रोव वन है, इसके जड़े काफी पानी के अंदर तक जाए रहते हैं, ठीक ना, और बहुत झमठा होते हैं, जैसे कि तुम्हारा जटा होता है ना, जटा नारियल को, उस तरह से ये मोटे मोटे एकदम अंदर पानी में होते हैं कि सुनामी से तुम्हारी रक्षा करते हैं, ठीक, यानी कि समुद्र के लहर जब ज्यादा तीव्र गति से आएगा उसे तुम्हारी रक्षा करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो सर आपके पड़ोसी कौन खुशी से पटाखा फोड़ रहा होगा, अब क्या कीजिएगा, अब उसको कुछ खुशी होगा, या बेचारा कल देखे कि कल बचा कर रखा था सबकी पटाखा, हम फोड़ेंगे जब जीतेगा इंडिया, भारत जीतेगा, अपना अपना ध्याय, अपना अपना सोच होता है, अभी भारत क्रिकेट में हार गया तो उसके कारण देखोगे कि बहुत से पटाखा बचा रहा तो आज वो फोड़ रहे हैं, क्या उनका गलती क्या है भाई, उनका भी सपना था कि हम भी बम लगाकर फोड़ेंगे। चलो ये 70 क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, और 70 क्वेश्चन में तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए प्लीज कमेंट नाउ।